हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी राजपूत। और इन चारों चीजों को लेके आपको कंफ्यूजन है, यूपीएसई क्या है, यूपी सेट क्या है, यूसीयू सेट क्या है और सीयूईटी क्या है, जो कि अभी 2022 में लागू हुआ है। तो इन चारों में जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन होप सो आपका भी इस वीडियो में ही पूरा खत्म हो जाएगा। यूपीएसई उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, राइट। यूपीएसई का मतलब है उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम। अब हम बात कर लेते हैं यूपी सेट की। यूपी सेट क्या है? उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं यूपी सेट की, सीयू सेट की। सीयू सेट क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, क्लियर हुआ। अब आज बात कर लेते हैं सीयूईटी की, जिसका अभी हल्ला मचा हुआ है कि सीयूईटी क्या है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, क्लियर हुआ चारों चीजें। यूपीएसई उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, यूपी सेट उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सीयू सेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब इन चारों को लेके जो आपकी कंफ्यूजन है, वो कहीं ना कहीं आपकी स्टडी को पूरी तरीके से इफेक्ट कर रहा है। तो ये चारों चीजें अभी इसी वीडियो में समझ के पूरी तरीके से खत्म कर दीजिएगा। यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम क्या था जो 2021, देखिए यूपी सेट कब आया? 2021 में आया। उससे पहले क्या होता था उत्तर प्रदेश में? आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, उनका अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते थे तो कौन सा देते थे? यूपीएसई देते थे। 2021 से जारी हुआ यूपी सेट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? 2021 में ये क्यों आया? ये इसलिए आया, जो यूपीएसई था इसमें समझिएगा, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम। स्टेट एंट्रेंस का मतलब है कि जो बंदा सिर्फ उत्तर प्रदेश का है वही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, वही ये एग्जाम दे सकता है। इसीलिए जारी किया गया है यूपी सेट। इसका मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यूपी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कहीं भी स्टेट नहीं आ रहा है, ठीक है, कि पर्टिकुलर स्टेट का बंदा ही इसके लिए अप्लाई करेगा। इसमें उत्तर प्रदेश का जो डोमिसाइल है वो रिक्वायर नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो डोमिसाइल दीजिए, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ये यूपीएसई था, इसमें डोमिसाइल जरूरी था, डोमिसाइल रिक्वायर्ड था कि इसमें उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना आपके लिए जरूरी है। तो इसीलिए 2021 में ये जारी हुआ कि अगर स्टेट का भी कोई भी बंदा हो तो वो ये एग्जाम दे सकता है। अब बात कर लेते हैं सीयू सेट क्या है। सीयू सेट का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का मतलब यह है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, जितनी भी वो यूनिवर्सिटीज थी, वो ये टेस्ट करवाती थी, एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम करवाती थी अपने स्टूडेंट्स का एडमिशन लेने के लिए। अब 2022 से जारी हुआ है सीयूईटी टेस्ट। अब इसमें क्या हुआ, सीयूईटी टेस्ट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं अपने यहाँ इंडिया में, वो सभी ये टेस्ट करवाएंगी, ये कंपलसरी है। लेकिन सीयूसीईटी टेस्ट मतलब क्या था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें कंपलसरी नहीं था सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कि ये टेस्ट लेना ही लेना है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप जानते भी होंगे, जिनमें मेरिट के हिसाब से एडमिशन होता था। आपके ट्वेल्थ में 99% है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, उसमें नॉलेज से मतलब नहीं है, सिर्फ परसेंटेज से मतलब होता था। ऐसा नहीं है कि बिना नॉलेज के परसेंटेज आ जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ स्कूल्स में, कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है
कि ये सारे एक्सेप्शंस देखते हुए ही सीयूईटी जारी हुआ कि आपके ट्वेल्थ के परसेंटेज से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप ये एग्जाम दीजिए, हमारा एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, इसमें आपके जितने मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से आपको हम एडमिशन देंगे। अब जो ये सीयूईटी टेस्ट है बेटा, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो सारी आ गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टोटल ये वाला टेस्ट करवाएंगी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो पहले ये करवाती थी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पहले भी एंट्रेंस टेस्ट करवाती थी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ टेस्ट का नाम चेंज हुआ। लेकिन जो नहीं करवाती थी उनके लिए ये टेस्ट करवाना हो गया है कंपल्सरी। अब टेस्ट दीजिए तो आपको एडमिशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम कि अब ये जो सीयूईटी टेस्ट है इसमें ये यूपी, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या फिर किसी भी स्टेट का क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, वो तो अपना यही टेस्ट करवाते रहे। लेकिन इसकी गाइडलाइन ये है कि अगर किसी भी स्टेट की कोई भी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंडर आना चाहती है वो आ सकती है, वो सीयूईटी टेस्ट करवा सकती है, क्योंकि इसका नाम देखिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ना सेंट्रल है ना उत्तर प्रदेश है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी आ सकती है और एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सीयूईटी के अंदर अपने कॉलेज में एडमिशन, अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे सकती है। तो ये है फंडा सीयूईटी का। होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अब हमारे देश में इंडिया में टोटल 54 यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो आती हैं, कितनी 54। तो ये 54 तो टोटल इसके अंदर आई गई हैं, 12 पहले से थी और 40 कुछ अभी शामिल हुई हैं इंस्टेंटली, 42 के समथिंग अभी दिखा रहा है सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन जो 12 है वो 12 पहले से करवाती आ गई है ये वाला टेस्ट, सीयूईटी टेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो 12 यूनिवर्सिटीज हैं स्टेट गवर्नमेंट की, 12 यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हो गई है, उन्होंने कह दिया भैया हम ये टेस्ट नहीं करवाएंगे, हम ये वाला टेस्ट करवाएंगे, सीयूईटी टेस्ट करवाएंगे, और वो इसके अंदर हो गई है शामिल। और ये सारी चीजें आपको शो हो रही है सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। कहीं भी कोई भी फेक न्यूज मत देखिए, सीधा जाइए ऑफिशियल वेबसाइट चेक कीजिए, वहीं पे सटीक जानकारी आपको मिलेगी। तो कुछ ये जो 12 यूनिवर्सिटीज है जो स्टेट गवर्नमेंट की है ये आ गई है इसके अंदर कि हम ये वाला टेस्ट करवाएंगे। इनमें से एक यूनिवर्सिटी आपकी AKTUB है जो कि टेक्निकल कोर्स करवाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसीलिए कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज मत होइए। एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म 5 अप्रैल को आ गए थे, अब ये 5-6 मई इसकी लास्ट डेट है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल दीजिए, अप्लाई कर दीजिए बिना किसी हिचकिचाहट के। कंप्लीट फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, कैसे आप डोमेन सिलेक्ट करेंगे, कैसे आप अपना सेंटर सिलेक्ट करेंगे, सारी चीजें और सारी फैसिलिटीज के अंदर आपको दी है। कंप्लीट वीडियो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे मैंने आपको पूरा कि फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है पूरी जानकारी दी है। होप सो कंफ्यूजन आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया हो, अगर हो गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन अभी भी रह गया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हमारे चैनल पे आती रहती है। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।